नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 11वीं में किस प्रकार दाखिला होता है और बच्चों की कक्षा 11वीं में दाखिला लेने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ गए हैं नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.navodaya.gov.in। ये देखिए, इस वेबसाइट पर जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर जो है जानकारी दे रखी है एडमिशन्स इन JNV। हमने इसके ऊपर क्लिक करा, उसके बाद जो है हम पहुँच गए हैं यहाँ पर एनरोलमेंट पॉलिसी पर। जवाहर नवोदय विद्यालय में 3 कक्षाओं में दाखिला होता है, 6ठी में, 9वीं में और 11वीं में। तो हम जो है वो 11वीं पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि हर साल 15 जुलाई तक कक्षा 11वीं की जो खाली सीटें होती हैं उन पर दाखिला जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाता है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, यानी कि बच्चों को क्या क्या क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना होगा, कहाँ कहाँ खरा उतरना होगा JNV में कक्षा 11वीं में दाखिला लेने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो उनकी उम्र जो है वो 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वो भी कब होनी चाहिए? 1 जुलाई को, यानी कि जिस भी साल बच्चे दाखिला ले रहे हैं उस साल की 1 जुलाई तक बच्चों की उम्र 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि बच्चे ने कक्षा 10वीं जो है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, जो कि CBSE या फिर किसी अदर स्टेट एजुकेशन बोर्ड से अफिलिएटेड हो, उस स्कूल से बच्चे ने कक्षा 10वीं पास कर रखी हो। उसके बाद उसमें लिखा है कि जो बच्चे का दाखिला होगा वो कक्षा 10वीं की मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, यानी कि बच्चे के कक्षा 10वीं के पेपरों में जितने अंक आए होंगे उन अंकों के हिसाब से बच्चों का JNV में दाखिला होगा, और तभी होगा जब JNV में सीटें खाली होंगी। और इसमें आखिरी एलिजिबिलिटी जो लिखी है वो है द कैंडिडेट्स मस्ट हैव रीजनेबल कॉम्पिटेंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि बच्चों को दो भाषाएं तो आनी ही आनी चाहिए, वो है अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा। तो बच्चों का एक रीजनेबल कॉम्पिटेंसी होने चाहिए, उनके जो हिंदी और अंग्रेजी में कक्षा 10वीं में नंबर आए होने चाहिए, उनको जो है वो ज़्यादा देखा जाएगा कि उनके नंबर जो है वो अच्छे आए हैं या नहीं, उनको इंग्लिश और हिंदी जो है वो सही से आती है या नहीं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी जिसकी मदद से बच्चे जो हैं वो कक्षा 11वीं में जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला ले सकते हैं। यह जानकारी देश के सभी जवाहर नवोदय विद्यालय पर लागू होती है, यानी कि अगर आप देश के किसी भी कोने में हैं और देश के किसी भी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 11वीं में दाखिला लेना चाहते हैं तो यह 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपसे इजाज़त चाहूँगी, जवाहर नवोदय विद्यालय की और जानकारी जानने के लिए सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं, और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।